तो जैसा कि मैंने आपको दिखाई दिया है, काले काले बादलों से पूरा आसमान छा चुका है और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है इस समय। हेलो, नमस्कार, राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे और हम भी एकदम बढ़िया से हैं। तो दोस्तों, इस समय टाइम हो रखा है 3 बजे हैं शाम के, और आप मेरे आसपास में इलाके का व्यू देख सकते हो। बहुत ही डेंजर और बहुत ठंडा मौसम एक बार फिर से पहाड़ों में हो चुका है, और मेरे आँखों से थोड़ा आपको लग रहा होगा, अभी अभी मैं सो के उठा हूँ और मैंने मुंह भी नहीं धोया, सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ। आज के ब्लॉग में बेसिकली ऐसा तो कुछ प्लान है नहीं हमारा फ़िलहाल, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मौसम का अपडेट ही सही अपडेट दे दूँ आपको। गढ़वाल के मौसम का टेम्परेचर की मैं बात करूँ तो अभी अभी मैं चेक कर रहा था तो अपने इधर का टेम्परेचर जो है इस समय जो है 7 डिग्री पे है। आप समझ सकते हो ये 7 डिग्री इन पहाड़ों के लिए बहुत ठंडा है, और अचानक से मौसम जो है 2 दिन से करवट बदल दिया है। जैसा कि मैंने आपको दिखाई दिया है, काले काले बादलों से पूरा आसमान छा चुका है और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है इस समय। दोस्तों, बहुत तेज़ हवा चल रही है और वैसे तो आप लोगों ने मेरे गांव का व्यू बहुत सारे वीडियो में देखा ही है, लेकिन मेरा गांव ही ऐसा है कि यहाँ का व्यू जितनी बार भी देखा जाए मन ही नहीं भरता है। देख लो कितना प्यारा गांव है हमारा, और यही है हमारा गांव ग्राम खोल। यहाँ से लगभग लगभग पूरे घर दिख रहे हैं इस प्रकार से, और ये रहे हमारे जंगल और वो रहे हमारे पर्वत। तो शाम का टाइम है और हम निकल चुके हैं अपने शाम की जर्नी में, इसको आप सहर भी बोल सकते हो, शाम टाइम की सहर करने के लिए। और सहर हो या गांव, फिट रहने के लिए कंटिन्यू फिजिकली एक्टिव रहना काफ़ी ज़रूरी है, और फिजिकली एक्टिव क्यों ना रहे जो इन हसीन पहाड़ों में जीवन यापन करते होंगे, आप देख सकते हो। और यहाँ से सीन लेने का मज़ा ही, मेरे को खुद मज़ा आ रहा है सीन लेने में, आई होप आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। देख ही सकते हो मैंने एक छोटा सा शूट करके दिखाया था आप लोगों को, ज़्यादा बड़ा नहीं था, एक मोबाइल से मैंने वो शूट लिया है। आप समझ सकते हो मोबाइल
की रेंज क्या होती है, कहाँ तक जाता है। ये नॉर्मल मोबाइल है, वीवो V17 वाला मोबाइल है। इसी के बैक कैमरा से मैंने वो शूट किया है। मेरे पास ट्राईपोड नहीं है, कुछ भी नहीं है, हाथ पे पकड़ के ही शूट किया है। मुझे कैमरा का नॉलेज भी नहीं है, कैसे शूट करना है, किस एंगल पे लाना है, मतलब इस मामले में बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ। बट ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है। आपने जो भी शूट देखा होगा उसको देख के आपको लग ही गया होगा कि हाँ, इन पहाड़ों में कुछ है। और कुछ नहीं दोस्तों, बहुत कुछ है। तो दगड़ियों, अपनी शाम टाइम की इस कड़ाके की ठंड में मैं निकल चुका हूँ। ये आप फ्री लोग टाइम पास कर सकते हो। सॉरी अगर वीडियो में आवाज़ सही नहीं आ रही होगी, तो क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है, हो सकता है आवाज़ सही नहीं आ रही होगी। मैं कह रहा था कि आप कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि इस टाइम जब भी हम घर में आते हैं इसकी वजह से, तो एक तरह से फ्री होता है, कोई फिक्स नहीं होता हमको ये काम करना है। बट फिजिकली तंदुरुस्ती रखने के लिए और इन पहाड़ों का मजा लूटने के लिए हम खुद अपने मन से कुछ करना चाहते हैं और करते भी हैं। और इसी कड़ाके की ठंड के बीच मैं निकल चुका हूँ आज की शाम में। और मुझे ये पूरी चढ़ाई चढ़नी है लगभग, ये किलोमीटर की चढ़ाई होगी, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। ठीक है, उधर उस साइड में इधर उधर जाना है मेरे को, बिल्कुल टॉप में। और वहाँ से मेरे को कुछ लकड़ियाँ लानी है, तो मैं दिखाता हूँ आपको कि जब हम अपने घर में जलाने के लिए लकड़ियाँ लाते हैं तो कहाँ से लाते हैं, किस तरह की लकड़ियाँ लाते हैं, और लकड़ियाँ लाने की हमारी व्यवस्था क्या होती है। तो आप बात समझ के होंगे, आपके आज के ब्लॉग में नॉर्मली आपको यही देखने को मिलेगा, इस ठंड के मौसम में किस तरह से सरवाइव करते हैं, और इस प्रकार की ठंड से बचने के लिए आग का जुगाड़ कैसे करते हैं, उसके लिए लकड़ियाँ कहाँ से लाते हैं। ऐसा नहीं है कि लकड़ियाँ जलानी है तो नज़दीकी मिल जाएंगी, बहुत दूर जाना पड़ता है। मैंने बताया ना आपको 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई है, ठीक है, ये खाली चढ़ाई है, समझ सकते हो आप। वहाँ से लाना है, और जो लकड़ियाँ लाना है, हर कोई अपने हिसाब से लकड़ियाँ लाता है जितना वो ला पाता है, लेकिन अमूमन जो भी लाता है वो इस तरीके से लाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लेके आते हैं, क्योंकि बहुत दूर का रास्ता होता है। हर कोई चाहता है कि एक ही बार में ठीक ठाक ले आए। तो मेरे को जाना है वहाँ, ठीक है, ऊपर, और वहाँ से लकड़ियों का जुगाड़ करके लाना है। और मेरे पीछे का नज़ारा आप देख सकते हो, काफ़ी तेज हवा चल रही है, और जो ये हवा चल रही है ये मैं ही जान सकता हूँ कितनी ठंडी हवा है। बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है इसमें, कहीं ना कहीं तो हमारे इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में बहुत तेज़ बर्फबारी हुई है। अक्सर इतनी ठंडी हवाएं तभी चलती है जब आसपास के पहाड़ों में बर्फबारी काफ़ी तेज होती है। तो हमें इस बात का अंदेशा है कि कहीं बहुत तेज़ बर्फबारी हुई है, जिसके कारण ये तेज़ हवाएं चल रही है। और दोस्तों में से तो आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ अपने गांव की लाइफ के बारे में, लेकिन आप अगर मेरे को फॉलो करते हो यूट्यूब पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, तो आपको धीरे धीरे गांव और पहाड़ों की लाइफ के बारे में सब कुछ मिल जाएगा मेरे चैनल पे, क्योंकि पहाड़ों की लाइफ इतनी हार्ड और इतनी स्ट्रगलफुल है कि एक ब्लॉग में या दो चार ब्लॉग में बताना और जाहिर करना
बहुत मुश्किल है। तो टच में रहे मेरे ब्लॉग के, अगर आपको पहाड़ों की लाइफ अच्छी लगती है तो, अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हर कोई तो पहाड़ी लवर नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे नहीं लगते तो मुझे अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो, और मैं चाहूँगा भी नहीं कि आप ना चाह के भी आपको पसंद नहीं और फिर भी आप मेरे ब्लॉग देखो, ये मैं कभी नहीं चाहूँगा, और इसके लिए मैं आपको कभी भी फोर्स नहीं कर सकता। मैंने कर भी दिया तो कौन सा आप फोर्स हो रहे हो, वो तो स्वाभाविक सी बात है, आपका फ्रीडम है। और दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। जो भी भाई लोग मेरे ब्लॉग देखते हो, मैं मेरा ब्लॉग आपको पसंद आता है उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जैसे कि आप सबको पता ही है, YouTube पे एक तरह से फॉर्मेलिटी भी है वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, बट मैं तहे दिल से, और इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैं तहे दिल से आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा नहीं लगता, मेरे ब्लॉग देखना अच्छा नहीं लगता, तो आप प्लीज मेरे कहने से मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो, मुझे खुशी होगी। क्योंकि बहुत सारे ब्लॉगर ऐसे हैं जिनको देखना मैं भी खुद पसंद नहीं करता हूँ, मैंने भी उनको सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, जबकि उनके तो मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, लेकिन वो मुझे पर्सनली अच्छे नहीं लगते। तो ये चाहने चाहने वाली बात है। तो इसी टॉपिक के साथ आप नज़ारे का भी फ़ायदा उठाए, मेरे अगल बगल में जो दिख रहा होगा, साथ साथ में हम कुछ बात भी कर रहे हैं, तो दोस्तों वही है, तो उनके मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि वो मेरे को वो भी पसंद आए, तो यही आप लोगों के लिए भी है। तो जिन भी भाइयों को ये लगता है कि मैं ब्लॉग में आके बोलता हूँ कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, तो ये मेरा मतलब कहना ही, ये थोड़ा ब्लॉग बनाने के लिए प्रोफेशनल होना पड़ता है उसका है, बाकी हमारा, मैंने तो आपको बहुत ब्लॉग में बोला ही है, इससे हमारा अर्निंग तो होता नहीं है, और उम्मीद भी है कि आगे भी अर्निंग नहीं होगा, लेकिन एक फैशन के तौर पे हम इसको लेते हैं, और अर्निंग हो भी जाए तो उसमें बुराई क्या है, ठीक है, मुझे तो नहीं लगता उसमें कुछ बुराई है, लेकिन एक फैशन के तौर पे हमारा ब्लॉग करने का मकसद रहता है, और इसके पीछे कोई भी रीज़न नहीं है। दूसरा रीज़न ये भी रहता है कि हम चाहते हैं कि हमारी पहाड़ों की जो बातें अछूती रह गई है, जिनको लोग नहीं जानते हैं, वो लोगों तक पहुँचे, ठीक है, और अच्छे तरीके से पहुँचे। इस प्रकार के रास्ते से जा रहा हूँ मैं, और आसपास में जो है ये पत्थर भी बड़े ख़तरनाक पत्थर है, और थोड़ा भी पैर फिसला तो पता नहीं कहाँ जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। और यहाँ से जो है इसी रास्ते से होते हुए जा रहा हूँ मैं, रास्तों की आप हालत समझ सकते हो किस प्रकार की हालत है, और काफ़ी तेज़ ठंड है तो थोड़ा जुकाम भी लगने लग गया है, और आप यहाँ से कैसे जाएं, देख लो कुछ इसी प्रकार की मुसीबतों का मुझको हर रोज़ सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इतना इजी नहीं है इन पहाड़ी रास्तों से चलना, इन पहाड़ी रास्तों पे जाना। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने वर्क स्टेशन पे, और ये देख सकते हो आप, ये लकड़ियाँ मेरे को घर लेके जाना है, ठीक है। अब यहाँ से इसको गड्ढा बना के तो मैं उठा नहीं सकता, क्योंकि नीचे से उठाने में यहाँ पे कोई आदमी अवेलेबल नहीं है, तो मैंने क्या किया है, ऊपर एक थोड़ा वहाँ पे एक तरह से उठाने के लिए आड़ है, तो वहाँ से मैं उठाऊँगा और इन लकड़ियों को लेके जाऊँगा। तो ये देख रहे हो, ऐसे फेंकते हैं ऊपर से सूखे हुए लकड़ियाँ हैं, ये मेरे पापा जी ने काट के यहाँ पे रखे हैं, ठीक है, काफ़ी मेहनती लोग हैं वो, और
हम जब भी फ्री रहते हैं तो यहाँ आके लकड़ियाँ काटते हैं। ये देख रहे हो, ये इतनी सारी यहाँ पे सब रखा है। देखो ये है कुल्हाड़ी, ये है घन, ये नीचे देख रहे हो घन, उसके सामने छोटे छोटे सब्बल लकड़ियों को चीरने के लिए। तो कुछ इस प्रकार से है, और मैं अब वहाँ पे लगाता हूँ और इनको लेके मेरे को घर जाना है। जहाँ से मैं आ रखा हूँ वहीं तक जाना है, आप समझ सकते हो। तो देखता हूँ कितना लेके जा सकता हूँ। तो दोस्तों काफ़ी तेज़ बारिश हो चुकी है और मैंने जो है लकड़ियों का गट्ठा बना लिया है, आप देख सकते हो। कुछ इस प्रकार से, और बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो अब मेरे को भागना पड़ेगा क्योंकि ये लकड़ियाँ बहुत भारी हो जाएगी बारिश में भीग के। दोस्तों काफ़ी चलने के बाद मैं आ चुका हूँ आधे रास्ते में, और मैंने लकड़ियाँ जो है थोड़ा रेस्ट लेने के लिए रख दी है नीचे। और ये है वो लकड़ियाँ जो जिनको मैं ला रहा हूँ। वेट की अगर मैं बात करूँ तो इतना मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि इनका वेट इस समय लगभग 45 kg के लगभग है। काफ़ी भारी हो चुकी है ये, क्योंकि इनमें पानी भी पड़ रहा है और लग भी रहा है मेरे को काफ़ी भारी हो चुकी है, और ठंड भी बहुत तेज़ है तो हाथों पे भी बहुत ठंड लग रही है। तो काफ़ी दिक्कत हो रही है लाने में, और थोड़ा मैं ज़्यादा ही ले आया, 30 किलो 40 किलो तक थोड़ा नॉर्मल ही है लाना, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गई। बट डोंट वरी, कोई नहीं, मैं इनको घर पहुंचा के रहूँगा। और ऊपर से आ रहा हूँ मैं, जहाँ ये काले बादल दिख रहे हैं ना, वहाँ से यहाँ तक, और ये इस रास्ते से होके जाना है मेरे को, यहाँ से लेके, और यहाँ से लेके इस रास्ते में जाना है मेरे को। और ये लास्ट में जो ये घर दिख रहा है ना, ये घर ये वाला, इस घर तक पहुँचानी है मेरे को ये लकड़ियाँ, समझ सकते हो आप। तो काफ़ी दूर है अभी, ये देख रहे हो इतना दूर है अभी, बट ये तो हमारा रोज़ का काम है। इतना आपको बहुत हार्ड लग रहा होगा, लेकिन हमारे लिए इतना हार्ड नहीं है। नीचे इंद्रधनुष आया है, लेकिन कैमरा में मैंने देखा कि दिख नहीं रहा है क्योंकि बारिश पड़ी और उस साइड में धूप है, इंद्रधनुष लग गया है, बट ये कैमरा उसको कैच नहीं कर पा रहा है। बारिश थोड़ा काफ़ी तेज़ हो गई थी ऊपर जब मैं जंगल में था, लेकिन अभी थोड़ा कम है। शायद जंगल में बारिश तेज़ है और यहाँ कम है, ऐसा भी हो सकता है। और इलाके की मैं बात करूँ तो कहीं धूप कहीं छाया। हे भगवान, ये तेरी क्या माया, वाह क्या शायरी बन गई दोस्तों। और ये है इलाका, देख रहे कितना प्यारा और कितना सुंदर पहाड़ है ये। भगवान करे जल्दी इन पहाड़ों की उन्नति हो और दूर दूर से लोगों को देखने आए इन पहाड़ों को, यही इच्छा हमारी भी है। तो दगड़ियों, बहुत कठिनाइयों से जूझते हुए पहुंच चुका हूं मैं स्कूल के पास में, और ये रही मेरी लकड़ियां। अभी भारी हो गई जैसे कि मैंने बताया, लगभग 45 किलो वेट आप समझ सकते हो। तो पहुंचने वाला हूँ गांव में, हम आराम करते करते आ रहा हूँ, मौसम का आनंद लेते लेते। तो चलो मिलते हैं अब सीधे घर में। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम घर, और ये है लकड़ियाँ। यहाँ से जो है बच्चे इनको अंदर रख रहे हैं एक एक करके, यहाँ से यहाँ रख रहे हैं, यहाँ आधे रख दिए यहाँ पे। तो कुछ इस प्रकार से लकड़ियाँ हमने घर तक पहुँचा ली है। अब इन लकड़ियों को ये अच्छे से सूख जाएंगे, थोड़े गीले हैं, और फिर जलाने के काम आएंगे। तो आई होप आज के ब्लॉग में आपने जो भी देखा आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, भगवान करे आपका दिन शुभ हो। बाय बाय दगड़ियों।